नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को खाना, अनाज, अन्य जरूरी सामान पहुंचाने का कार्य उत्तर मुंबई क्षेत्र में इस्माइली फाउंडेशन के सदस्य कर रहे हैं। यह सेवा कार्य लॉकडाउन के शुरुआत से ही इस्माइली फाउंडेशन के सदस्य करते आ रहे हैं। मालोनी, कांदीवली, बोरीवली जैसे इलाकों के जरूरतमंद लोगों तक हर जरूरी सामान पहुंचाने का काम यह देखिए इस्माइली फाउंडेशन के सदस्य कर रहे हैं। वह जगह जगह अपने गाड़ियों में राशन किट, अन्य जरूरी सामग्री वितरण कर रहे हैं। इस दौरान जरूरतमंद पत्रकारों को भी कई राशन सामग्री और किट वितरण किया गया, सैनिटाइजर बांटे गए। पेश है मेट्रो इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। शाली शाहू, स्माइली सोल्स फाउंडेशन की ओर से हम यहाँ पे आज राशन की किट बांट रहे हैं और रोज हम इसी तरह से अलग अलग एरिया में जाके राशन की किट और कुक फूड बांटते हैं। हर जगह रिक्वायरमेंट है, कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना सबको हम बांट सके, सब जगह हम पहुंच सके। हमारी टीम पहले दिन से आज तक एक दिन भी बैठी नहीं है, हम सब जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि क्या मास्क पहनना चाहिए, क्यों सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ में ग्लव्स कितनी ज़रूरी है, जितनी हो सके उतनी कोशिश हम कर रहे हैं और भी करना चाहेंगे। आप लोग का सहयोग होगा तो ज़रूर पॉसिबल है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल द बेस्ट। संस्था है, अब तक एरियो में जाकर इस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, किस बात की है? हम लोग पार्ला से लेके दहीसर तक सब एरियाज कवर कर रहे हैं और जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है तभी 3 दिन से हम लोग ने काम चालू किया है और अब तक चालू रखा है और हम लोग ये सब पुलिस और बीएमसी की मदद से कर रहे हैं। आज यहाँ पे आप लोग पब्लिक को किट बांट रहे हैं क्या? हाँ, ये राशन किट बांट रहे हैं हम, क्योंकि जब से COVID-19 का आउटब्रेक आया है तब से लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, डेली वेजर्स को काम नहीं मिल रहा है। हम कोशिश करते हैं कि जिनके पास खाने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है उनको हम राशन और फूड पैकेट का वितरण करें।